हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को, जिसका नाम है फॉलो मी, जिसे रिलीज किया गया था 2020 में, और इस मूवी को नो एस्केप भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है कोल से, जो कि एक फेमस इंटरनेट ब्लॉगर है, जिसके चैनल पर उसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। कोल अपने फैंस के लिए लाइव आकर एक्सट्रीम चीजें करता रहता है, जैसे कॉफिन में जिंदा दफन हो जाना, पाबंदी वाली जगहों में घुसना और डरावने डेयर्स कंप्लीट करना। बेसिकली ये मिस्टर बीस्ट या लोगन पोल की सस्ती कॉपी है। खैर, इसके चैनल के 10 साल पूरे हो गए थे और इसे यादगार बनाने के लिए कोल की टीम यानी उसके दोस्तों ने कोल के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसके लिए ये सभी रशिया जा रहे थे। कोल के दोस्तों के नाम हैं डैश, समांथा, थॉमस और कोल की गर्लफ्रेंड एरिन। डैश फाइनली कोल को बताता है कि उसका रशिया में एलेक्सी नाम का एक अमीर दोस्त है और उसने खास कोल के लिए एक कमाल के एस्केप रूम को तैयार किया है, और ये गेम इतना बढ़िया होगा कि कोल इसे जिंदगी भर याद रखेगा। प्लेन के अंदर कोल एस्केप रूम नाम की मूवी देख रहा था, जिसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर, रशिया पहुंचकर डैश एयरपोर्ट पर कुछ हरकत करता है, जिससे वहां की सिक्योरिटी उसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है। अब इनमें किसी को रशियन नहीं आती थी, तो गार्ड्स उनकी एक नहीं सुनते। तभी वहां पर एक आदमी आता है और सिक्योरिटी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है, और उसका नाम पढ़कर ही ये गार्ड्स डैश को छोड़ देते हैं। असल में ये आदमी ही एलेक्सी है, और उसकी पावर देखकर कोल काफी इम्प्रेस हो जाता है। एलेक्सी की विक्टोरिया नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है और दो बॉडीगार्ड्स हमेशा एलेक्सी के साथ रहते हैं। एलेक्सी इन सभी का यहाँ पर वेलकम करता है और शाम को एक बहुत बड़े क्लब में पार्टी कराने ले जाता है। यहाँ पर भी कोल अपनी लाइव स्ट्रीम में बिजी था, तभी कुछ गुंडे उसकी गर्लफ्रेंड एरिन को छेड़ने लगते हैं, जिससे कोल और एलेक्सी का उन गुंडों से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि एलेक्सी के बॉडीगार्ड्स गन पॉइंट पर उन गुंडों को क्लब से बाहर ले जाते हैं, और जाते जाते वो गुंडा कोल को धमकी देता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब इस हादसे से सबका मूड खराब हो गया था। अगले दिन कोल और एरिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने घूमने के लिए जाते हैं। एलेक्सी का ड्राइवर हर समय उनके साथ था और वो उन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि उनके पास यहाँ की करेंसी नहीं थी। कोल को नोट के बंडल में से एक लाल कागज भी मिलता है, जिस पर किसी तरह का कोड लिखा हुआ था, लेकिन कोल उसे इग्नोर करता है। अब शाम को एलेक्सी कोल और उसके सभी दोस्तों को एस्केप रूम वाली जगह लेकर जाता है। ये जगह एक टाइम पर जेल हुआ करती थी, जहां पर कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, ताकि कोल के फैंस सब कुछ लाइव देख सके, जिसके लिए वो कोल का मोबाइल ले लेते हैं। एलेक्सी बताता है कि गेम बड़ा ही सिंपल है, कोल को एक घंटे के अंदर अपने सभी दोस्तों को ट्रैप से आजाद करवाना है और एस्केप रूम से बाहर निकलना है। गेम शुरू होने से पहले एलेक्सी कोल से ये भी कहता है कि अंदर जो कुछ भी होगा वो सब नकली है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दो गार्ड्स इन सभी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। कोल कपड़ा हटाता है तो वो एक सेल के अंदर था, जिसमें एक डेड बॉडी रखी हुई थी, जो कि काफी रियल लग रही थी, और उसके पेट पर एक्स का निशान भी बना हुआ था। एक घंटे का टाइम शुरू हो जाता है और कोल को यहाँ से बाहर निकलने की चाबी ढूंढनी थी। कमरे में कुछ पुराने जूते और कपड़े भी पड़े हुए थे, जिनमें कोल को कुछ नहीं मिलता। डेड बॉडी के साइड में कुछ सर्जिकल टूल्स रखे देख कोल समझ जाता है कि चाबी इस डेड बॉडी के पेट में है। हिम्मत करके कोल एक नाइफ उठाता है और बॉडी के पेट को काट कर उसके अंदर चाबी खोजने लगता है, और उसकी अतड़ियों के बीच में उसे चाबी मिल जाती है, जिससे कोल अपने रूम से बाहर निकल आता है। अब कोल के सामने और भी कई सारे रूम्स थे और उसके चारों दोस्त किसी न किसी डेथ ट्रैप में फंसे हुए थे, जो कि काफी रियल लग रहे थे। कोल की गर्लफ्रेंड एक टैंक के अंदर बंद थी और उसके पास गेम को एंड करने की चाबी थी। समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई थी, थॉमस के हाथ पैर बांध कर उसे लटकाया हुआ था, और डैश एक मम्मी ट्रैप में बंद था, जिसके बंद होते ही उसमें लगी सैकड़ों कीले डैश के अंदर घुस जाएंगी। अब इनके सामने एक रूम था जिसमें कई सारे गियर्स पड़े हुए थे,
और कोल को इन गियर्स को सही जगह पर फिट करना था। कोल इस पहेली को सुलझाने में लग जाता है और जब भी वो गियर को किसी गलत होल में डालता है, डैश और थॉमस के ट्रैप्स और टाइट होते जा रहे थे और थॉमस को दर्द भी होने लगता है। वहीं डैश के अंदर कीले बस घुसने ही वाली थी। आखिर में कोल गियर्स को सही जगह लगाकर डैश और थॉमस को उनके ट्रैप से आजाद करवा लेता है और इन लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये सब नकली है। अब ये तीनों समांथा के पास जाते हैं। समांथा को छुड़ाने के लिए इन्हें एक मेज कंप्लीट करनी थी और एक मेटल बॉल को सेंटर तक पहुंचाना था, लेकिन जैसे ही ये बॉल को मेज से टच करते हैं, समांथा को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब इन्हें लगता है कि समांथा को बस हल्का सा करंट ही लग रहा होगा, तो डैश मस्ती में बार बार जानबूझकर बॉल को मेज से टकराता है, लेकिन समांथा की चीखों से इन्हें समझ आ जाता है कि उसे सच में झटके लग रहे थे। अब ये जल्दी से मेज को पूरा करके समांथा को भी उसके ट्रैप से आजाद करवा लेते हैं। समांथा की हालत खराब हो गई थी और वो तुरंत ही गेम को क्विट करने का बोलती है, लेकिन एलेक्सी या कोई भी उसकी इस बात पर रिप्लाई नहीं देता, जिस पर वो डैश पर चिल्लाने लगती है। डैश भी कहता है कि वो एलेक्सी को ठीक तरह से नहीं जानता और उससे बस एक दो बार ही मिला था। अब इन्हें शक होने लगता है कि ये लोग कहीं सच में इस डेडली गेम में ना फंस गए हों। अब ये चारों एरिन वाले रूम के पास जाते हैं और देखते हैं कि एरिन जिस टैंक में खड़ी है उसमें पानी भरना शुरू हो गया था। अब इन्हें ठीक सामने वाले रूम में दो कंटेनर्स मिलते हैं, एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। इस पहेली को सुलझाने के लिए इन्हें एग्जैक्टली 4 लीटर पानी एक होल में डालना था। ये काफी इजी पहेली थी जिसे थॉमस आराम से सुलझाता है। वो पहले 5 लीटर को भर के 3 लीटर में डाल देता है, फिर वो 3 लीटर खाली करके उसमें बचा हुआ 2 लीटर भी डाल देता है। अब वो फिर से 5 लीटर को फुल भरता है और क्योंकि अब 3 लीटर वाले में बस 1 लीटर की जगह थी, तो 5 लीटर वाले कंटेनर में एग्जैक्टली 4 लीटर पानी बचता है, जिसे एक होल में डालने से एरिन की सेल का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन एरिन अभी भी टैंक के अंदर फंसी हुई थी और टैंक में पानी भरने से एरिन उसमें डूबने लगती है। ये देखकर सभी पैनिक करने लग जाते हैं। कोल टैंक को तोड़ने के लिए एक गियर निकाल कर लाता है, लेकिन टैंक का ग्लास काफी मजबूत था। इसके बाद वो टैंक के ऊपर चढ़कर उसके डोर के ताले को तोड़ देते हैं और फिर ऊपर से ही एरिन को बाहर निकाल लेते हैं। अब तक इन्हें समझ आ गया था कि ये गेम कितना असली और जानलेवा है। किस्मत से एरिन मरी नहीं थी और उसे होश आ जाता है। अब ये लोग एरिन के पास की चाबी का यूज करते हैं इस गेम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो एक और चेम्बर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एलेक्सी या उसके लोग मिलने वाले थे। पर वहाँ की हालत देखकर सबको पता चलता है कि यह मारामारी हुई है और उन्हें दीवार पर किसी का ताजा खून भी दिखता है। अब ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके मोबाइल और पासपोर्ट्स भी एलेक्सी के पास है। फिर कोल एक मेटल रोड उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, जिससे ये बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि एलेक्सी के गार्ड्स को किसी ने मार दिया था। ये काम उन्हीं गुंडों का था जिनसे इन लोगों की बार में लड़ाई हुई थी। ये गुंडा एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को सबके सामने गोली मार देता है और एलेक्सी शायद इनसे डर के भाग चुका है। ये गुंडे कोल और उसके सभी दोस्तों को किडनैप करके वैन में कहीं ले जाते हैं और जब कोल आंखें खोलता है तो वो उस गुंडे के बॉस के सामने था। कोल को एक टॉर्चर रूम में लाया गया था। बॉस बताता है कि वो लोग कोल और उसके सभी दोस्तों को यहाँ टॉर्चर करके मार देंगे और ये सब वो डार्क वेब पर लाइव दिखाने वाले हैं। कोल जैसे सेलिब्रिटी को मरता हुआ देखने के लिए लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। कोल उससे गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि सबसे पहले वो समांथा को मारेंगे। अब बॉस के दो गार्ड्स कोल को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं और फिर समांथा को टॉर्चर रूम में लाया जाता है, जहां बॉस एक स्क्रू ड्राइवर से पहले समांथा की आंख फोड़ देता है और फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर कोल कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी हथकड़ी पुरानी और जंग लगी है, तो कुछ देर तक ठोकने पर वो टूट जाती है। फिर कोल अपने पलंग पर चढ़कर एसी वेंट में एंटर कर जाता है। रास्ते में उसे वही टॉर्चर रूम दिखाई देता है जिसमें अब डैश को लाया गया था। बॉस एक कटर उठाकर डैश के एक हाथ को काट देता है, जिससे डैश बहुत चिल्लाता है और फिर बॉस डैश को भी जान से मार देता है। ये देखकर कोल डर के थोड़ी आवाज कर देता है, जिससे बॉस को कोल की लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने भेजता है। कोल जल्दी से एसी वेंट से बाहर निकलकर एक बड़े से हॉल में आता है और फिर किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले डोर तक पहुंच जाता है।
लेकिन ये डोर किसी पासवर्ड से ही खुल सकता था। अब कोल को वो लाल कागज याद आता है जिसमें लिखा कोड एंटर करने से ये दरवाजा खुल जाता है और वो ड्राइवर बाहर खड़ा होकर कोल का वेट कर रहा था। वो कहता है कि वो कोल की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने वो नोट उसे दिया था और वो कोल को एक कार की चाबी देकर यहाँ से भाग जाने को भी बोलता है। तभी गार्ड्स कोल का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। कोल तो उनसे छुप जाता है लेकिन वो ड्राइवर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अब कोल के पास पूरा मौका था कि वो कार को लेकर यहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता था। तो वापस वो बिल्डिंग में एंटर करता है और कुछ ही देर में एक सेल के अंदर उसे थॉमस मिल जाता है जिसे कोल बाहर निकाल लेता है और दोनों अब एरिन को ढूंढने लगते हैं। कोल थॉमस को ये भी बताता है कि समांथा और डैश मर चुके हैं, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अब एक जगह आकर ये दोनों फंस जाते हैं और एक गार्ड इनको देख लेता है। गार्ड गोलियां चलाते हुए इनकी तरफ आता है और फिर थॉमस को लेकर पीछे वाली लिफ्ट की जगह में कूद जाता है जिससे दोनों ही मारे जाते हैं। कोल अब रोने लगता है पर उसे गार्ड की गिराई हुई पिस्टल मिल जाती है, लेकिन उसमें एक भी गोली नहीं बची थी। अब कोल आगे बढ़ता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वो छुपकर देखता है कि एलेक्सी खुद भी इन गुंडों के साथ मिला हुआ है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ड्राइवर के कारण कोल यहाँ से भाग गया है, वो ड्राइवर को गोली मार देता है। अब कोल किसी तरह छुपते हुए टॉर्चर रूम में जाता है जहाँ बॉस एरिन को टॉर्चर कर रहा था। कोल उसे कहता है कि वो एरिन को जाने दे और कोल अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे मालामाल कर देगा, लेकिन बॉस नहीं सुनता क्योंकि उसे डार्क वेब से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अब एरिन बॉस के सर में एक टक्कर मार देती है। इतने में कोल वहां रखी एक गोली अपनी पिस्टल में डालकर बॉस को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उसके बस कंधे पर ही लगती है और उसके बाद बॉस एरिन को हेडशॉट देकर उसकी जान ले लेता है, जिससे कोल को बहुत बुरा सदमा लगता है। गार्ड्स यहाँ आकर कोल को भी पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनसे छूटकर भागता है और एक छोटे रास्ते के जरिए एक बड़े से हॉल में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्सी कोल का मोबाइल लिए खड़ा था। उसे देखते ही कोल उस पर अटैक कर देता है। एलेक्सी उसे कुछ बताना चाह रहा था लेकिन कोल उसकी एक नहीं सुनता और उसके सर को पिस्टल से मार मार के फोड़ देता है, जिससे एलेक्सी मारा जाता है। इसके बाद हॉल की लाइट्स चालू होती है और कोल के सभी दोस्त बाहर निकलकर आते हैं। और अब आता है बड़ा ट्विस्ट। तो दोस्तों, अब तक कोल के साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक प्रैंक था जो कि उसी के दोस्तों ने बनाया था, क्योंकि वो कोल को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। इस प्रैंक में उसके सारे दोस्त, एलेक्सी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके गार्ड सभी शामिल थे और सभी गुंडे एक्टर्स थे। सारी बंदूकें और गोलियां भी नकली थी। लेकिन अब मजाक मजाक में कोल इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसने सच में एलेक्सी का लाखों लोगों के सामने मर्डर कर दिया। उसके दोस्तों के प्रैंक के चक्कर में कोल की लाइफ बर्बाद हो गई है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब कोल के साथ क्या होता है ये हमें नहीं बताया जाता, बट उसे एलेक्सी के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया होगा। तो दोस्तों, इस कांड में गलती किसकी थी, कोल की जिसने एलेक्सी को मार दिया या उसके दोस्तों की जिन्होंने उसके साथ इतना बड़ा प्रैंक किया, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।